रेहम खान की खिताब की रोनुमाई के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी हो चुका है। अदालत ने रेहम खान, हुसैन हक्कानी और पैमरा से 9 जून को जवाब तलब कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बतावे चलें कि रेहम खान की खिताब की रोनुमाई के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी हो चुका है। अदालत ने रेहम खान, हुसैन हक्कानी और पैमरा से 9 जून को जवाब तलब कर दिया है। आपको अब तक की ताजा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि रेहम खान की खिताब की रूनुमाई के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी हो चुका है। मजीद जानते हैं अदनान याकूब से। जी अदनान याकूब, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेहम खान की किताब की रोनमाई के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी हुआ है। मुल्तान में सिविल जज ने रेहम खान, हुसैन हक्कानी और पैमरा से 9 जून को जवाब तलब किया है। किताब की अशात जो है इस पर मुबैना तौर पर हकाय के खिलाफ एक दरखास्त गुजार गुलाम मुस्तफा चौहान ने दरखास्त दी, जिस पर सिविल जज मुल्तान ने ये जारी किया, हुक्म इम्तनाई जारी किया है, जिस पर 9 जून को जवाब तलब होगा। और दरखास्त गुजार की तरफ से ये कहा गया है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के किरदार को उसके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए ये जो है किताब की रोनमाई करवाई जा रही है। और इसमें जो है खासतौर पर साबिक सफीर जो है हुसैन हक्कानी मुस्लिम लीग नून की मदद से इस किताब के जरिए इदारों के वकार को तबाह करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने कहा कि ये किताब जो है गैर मुल्की एजेंडे पर मबनी है। इसी किताब को इलेक्शन के करीब इसकी रोनमाई को रोका जाए और ये इलेक्शन के करीब इमरान खान की सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। दरखास्त गुजार की तरफ से ये दरखास्त दायर की गई, जिस पर हुक्म इम्तनाही जारी हुआ है और 9 जून को जवाब तलब किया गया है सिविल जज की जानब से, रेहम खान से, हुसैन हक्कानी से और पैमरा से। जी।